नमस्कार बिलेंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है और आज इस क्वेश्चंस को देखें तो ये हमारे एक शिक्षक मित्र ने पूछा है जो बिहार में टीचर है और एक से पाँच के टीचर है यानी प्राइमरी स्कूल के टीचर है पिछले दस पंद्रह सालों से वो पढ़ा रहे हैं बिहार में आजकल सक्षमता परीक्षा चल रही है तो सक्षमता परीक्षा एक से पाँच के क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन आईडी नंबर क्वेश्चंस आई डी नंबर एक सौ पचासी जो शिक्षक हमसे पूछे हैं उनके सेट का एक सौ पचासी नंबर ये क्वेश्चन है और वहीं क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन सोलह अप्रैल दो हजार तेईस को एनडीए में पूछा गया है तब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के जो अफसरान हैं या शिक्षा मंत्री है वो एक से पाँच वालों को इस लेवल पे सक्षम कर देना चाहते हैं कि एक से पाँच में निकलने के बाद बच्चा डायरेक्ट एन में बैठ जाए शायद ऐसी सोच होगी तभी ये क्वेश्चन आया है चलिए उनके सोच को छोड़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जिस दिन पूछा गया है उनको हमने सॉल्व करके दे दिया कि भाई जो ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन बताया जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है तो आपको इस पर ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है चूँकि आज ऑब्जेक्शन का डेट नहीं है बीत गया है तो उस पर ऑब्जेक्शन्स नहीं किया जा सकता है लेकिन ये क्वेश्चनस आया है तो ये हमारा बताना जरूरी है कि ये क्वेश्चन एन में पूछा गया सी टेट के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ तक चलेगा क्योंकि सी टेट तो करके ही टीचर्स बनते हैं और उतनी तो जानकारी अधिगम के तो जानकारी होना चाहिए वो सही है पूछा गया है लेकिन एनडीए का क्वेश्चन सक्षमता में पूछा जाए ये कहाँ तक सही है ये तो आप लोग डिसीजन कीजिएगा चलिए इसमें परमोटेशंस है और आप लोगों को मेरा एक वीडियो दिखा होगा जिसमें एक और क्वेश्चंस पे हमने चर्चा की है वो क्वेश्चन नंबर एक सौ चौरासी था वो कॉम्बिनेशन से था और वो भी एन में आया हुआ है ये थोड़ा इजी है एन में ज़रूर आया हुआ है लेकिन इस पर मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा क्योंकि हालांकि इस बात पे तो करेंगे कि ये चैप्टर जो है एलेवेंथ में है और 10 साल 15 साल से जो एक से पाँच में पढ़ा रहा है वो कम परमोटेशन कॉम्बिनेशंस भूल गया होगा 10 साल पहले हम भले ही कितने पढ़ाई किए हों 10 साल तक जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं एक से पाँच में जितने टर्म्स है उस टर्म्स को ज़रूर हम याद रखे होंगे लेकिन एलेवेंथ में और ट्वेल्थ में पढ़ाई जाने वाली चैप्टर्स जो नीचे कहीं नहीं मिलती है टेंथ तक ये चैप्टर नहीं मिलता है कैसे याद रहेगा किसी टीचर को ये सोचने वाली बात है लेकिन वो उतना भी भाष नहीं है जितना एक था एक हर टीचर के बस की बात नहीं थी जो भी लगाया होगा तुक्के से लगाया होगा क्योंकि एक से पाँच में पढ़ाने वाले दस से दस साल पंद्रह साल वो कम्बिनेशन परमिटेशन से उसका क्या लेना देना है तो वो नहीं बनाया होगा तुक्का लगाया होगा ये जरूरी बात है नहीं तो दो चार परसेंट वैसे होंगे जो स्कूल के बाद अपने बच्चे समय में बच्चों की सहायता करता है यूट्यूब के माध्यम से या अन्य माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं कॉम्पिटिटिव वाले को तो वो अगर एनडीए के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे या अदर किसी क्लास कंपटिटिव के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उनको ये क्वेश्चन मिला होगा वो बनाए होंगे और उनको जानकारी होगा कि इसका आंसर्स क्या होगा लेकिन बाकी की बस की बात नहीं है चलिए इसमें क्या है वो एक जो था वो किससे था कॉम्बिनेशन से था और ये परमोटेशन से है इसमें कह रहा है कि एक शब्द है परमुटेशन वो एक्स इस शब्द का एक्स जो है वो परमुटेशन है और कॉम्बिनेशन शब्द है वो वाई उसका परमुटेशन है तो ये दोनों में जो कथन एक दिया गया था कि ये कौन कथन सत्य है मतलब क्या एक्स वाई के बराबर है वाई टू एक्स के बराबर है या एक्स फोर वाई के बराबर है या वाई फोर एक्स के बराबर है तो देखिए परमोटेशन में क्या होता है पहले इन शब्दों को घिन लीजिए कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो बारह का फैक्टोरियल हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व ट्वेल्व का फैक्टोरियल हो गया लेकिन इतने से ये निकलेगा नहीं क्यों क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे है आ, टी दो बार आया हुआ बाकी ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो दो बार आया हुआ है लेकिन टी इसमें दो बार आया है तो वो क्या हो जाएगा वो दो से फैक्टोरियल जो जितने भी रिपीट करेंगे उतने फैक्टोरियल से वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ये हुआ एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू देखिए इसमें भी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इसमें भी बारह है तो y इजिकल टू क्या होगा ट्वेल्व का फैक्टोरियल अब इसमें जो रिपीटेशन है वो देखिए वो रिपीट है आई रिपीट है और इसके साथ साथ एन रिपीट है और कोई रिपीट नहीं है एन आई ओ कितने रिपीट है तीन टर्म्स रिपीट है तो तीन का फैक्टोरियल नहीं होगा तीन में दो दो है तो वो फैक्टोरियल डिवाइड क्या होगा टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल क्योंकि रिपीटेशन में टू यूज होता है उसके टर्म्स के बराबर वो आएगा जैसे कि रिपीट हो गया और उसका हम प्रमोटेशन बनाएंगे तो वो एक ही बार आएगा चाहे यहाँ वाले आए चाहे यहाँ वाले आए तो एक ही बार आएगा वो बार बार तो वही हमें डिवाइड करना है अब हमें जो x और y की बात करना है तो यहाँ से कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ से कैसे कंपेयर करें तो हम क्या करते हैं x और y को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे ले लेते हैं हम x बाई वाई तो हमें मिल जाएगा 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा ट्वेल्व फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल और एक बात ये जान लें कि फैक्टोरियल्स का जो हम प्रोडक्ट करते हैं उसमें जीरो नहीं आता है क्योंकि अभी डिटेल्स नहीं बताएंगे कि इसका क्या है क्योंकि उतना टाइम इसमें नहीं दे पाएंगे हम जब ये प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है उसमें आपको डिटेल्स में बताया जाता है कि वाई का जीरो का भी फैक्टोरियल कर देंगे तो वो वन हो जाता है वो भी जीरो नहीं होता ठीक है तो इसलिए फैक्टोरियल्स में आपको कहीं जीरो नहीं आएगा तो जो भी फैक्टोरियल्स इक्वल मिलते हैं उसको आप कहीं भी काट सकते हैं अगर वो इक्वल साइन के राइट लेफ्ट में हो या फिर वो डिवीजन में हो तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम क्या क्या काट सकते हैं तो 12 फैक्टोरियल है 12 फैक्टोरियल है क्यों काट सकते हैं पहले आप बता दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये ऐसे लिखा जा सकता है 12 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और जब इसको करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ट्वेल्व फैक्टोरियल ये कट जाएंगे ट्वेल्व फैक्टोरियल से ट्वेल्व फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल ठीक है तो आपके पास जो ऑप्शन बचेगा वो ये होगा x बाई वाई इज इक्वल टू फैक्टोरियल टू का वैल्यू टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू इंटू टू क्योंकि नीचे से सारे कट चुके हैं तो ये हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू फोर डेट गिप्स x इज इक्वल टू फोर वाई और ये जो ऑप्शन है ये आपका सही इसमें ऑप्शन है x इज इक्वल टू फोर वाई और ये आंसर सीट में भी एक्स इजल टू फोर वाई को ही करेक्ट ऑप्शन माना गया है तो उनको भी बता दिया मैंने ये भी ऑब्जेक्टेबल नहीं है इसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका एंसर्स करेक्ट है लेकिन क्वेश्चनस नहीं होना चाहिए था एक से पाँच में यह चलिए वो छोड़िए सक्षमता को जो भी आप अब स्टूडेंट्स है या नहीं है तो वो जिनके पास ये वीडियो पहुंचता है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसा मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो चैनल्स ग्रोथ करेगा और चैनल ग्रोथ करेगा तो इस चैनल के माध्यम से दो चार दस चाहे दस हज़ार चाहे पाँच हज़ार चाहे दो सौ जितने भी बच्चे हों चाहे वो बच्चा एक ही क्यों ना हो अगर सीखना चाहता है तो वो आपका सब्सक्रिप्शन से उसको हेल्प के रूप में काम करेगा कैसे आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल्स बढ़ेगा मैं और ज़्यादा इस पर कंटेंट और समय लेकर आऊँगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा उसमें आपका भी सहयोग शामिल रहेगा इसलिए आप स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं ये वीडियो आप तक जाता है चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उससे भी बेटर एक और काम होगा कि सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप्स में उसको शेयर कर दे ताकि जिसको जरूरत हो वो सब्सक्राइब कर पाए तो इसमें कॉम्पिटिटिव ही नहीं सिक्स क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के बच्चे भी अपना क्वेश्चंस हमें डाल सकते हैं उनके लिए भी क्लासेस चलते हैं वो हमसे जुड़कर अपनी जो भी समस्या है जो भी उनके प्रॉब्लम्स हो सॉल्व करवा सकते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स है कि वो सब्सक्राइब तो करें दोस्तों से भी करवाए और फुल वीडियो देख कर उनकी जो समस्या है वो हम तक पहुँचाए कमेंट्स के माध्यम से हम उनके समस्याओं को दूर करेंगे तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही थैंक यू चाहिंद